बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित गांव पोलमपल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए चौपाल लगाई है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल के साथ मंत्री कमासी लखमा, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव शामिल थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने थाने में चौपाल लगाई और नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जल्द ही दूर करने की बात सीएम बघेल ने कही है। इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसके बाद उन्होंने सुकमा को दो नई एम्बुलेंस की सौगात भी दी है। इसके बाद उन्होंने सभा स्थल पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। इसके साथ ही कई सौगातें सुकमा जिले वासियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दी है। सबको हम लोग रोजगार से जोड़ेंगे ताकि लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो, जो जिस स्तर में पढ़ाई किया है उसके हिसाब से उनको रोजगार की व्यवस्था किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गृहमंत्री